मॉडर्न ट्रेड के अंतर्गत भारत में विदेशी कंपनियों ने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए मेगा स्टोर्स खोलकर भारतीय व्यापारियों के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी थी। आज पतंजलि एकमात्र स्वदेशी संस्था है जो इन विदेशी कंपनियों को टक्कर दे रही है। पतंजलि ने पूरे देश में उन मेट्रो सिटीज में जहां पर लोगों की परचेस पावर अधिक है, उन शहरों में मेगा स्टोर्स खोलने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 50 मेगा स्टोर्स खोले जा रहे हैं। प्राचीनता को आधुनिक आकर्षण के साथ प्रदर्शित करने का पतंजलि का देश में ये पहला प्रयास है। लखनऊ, पुणे, नागपुर आदि देश के विभिन्न शहरों में खुल चुके मेगा स्टोर्स में पतंजलि के उत्पादों को खरीदने के लिए अपार जनसमूह उमड़ रहा है। इसी कड़ी में कल 21 मई को गुड़गांव में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के कर कमलों से मेगा स्टोर का शुभारंभ हुआ। आइए देखते हैं गुड़गांव में शुरू हुए पतंजलि मेगा स्टोर्स के उद्घाटन की कुछ झलकियां। आज ये गुड़गांव में वसई रोड पर पतंजलि मेगा स्टोर का उद्घाटन हुआ है। इससे पहले पतंजलि चिकित्सालय और मेगा स्टोर्स की श्रृंखला काफी अच्छे से गुड़गांव में बढ़ रही है। बोला चिकित्सालय और ये तीसरा मेगा स्टोर हो गया है और आगे हमारी कोशिश होगी कि इस कार्य को और बड़ा स्वरूप दिया जाए। और क्योंकि अब गुड़गांव जो हो गुरुग्राम हो गया, तो गुरुग्राम होने के बाद में ये एक पहली एक्टिविटी है। करीब 2000 स्क्वायर फीट में ये बात अच्छा पतंजलि मेगा स्टोर यहाँ पर बनाया गया है। इस तरह की स्टोरों की एक पूरी कल्पना है जिसमें इधर पूरी दाहिनी ओर से पूरी औषधियाँ हैं, जिसमें लगभग 250 प्रकार की पतंजलि की औषधियाँ होती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, गिरोय घनवटी, वैसे गिरोय घनवटी के तो दूसरी भी बहुत से कार्य हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, वेट को घटाना और प्लेटलेट्स जो घट गए उनको बढ़ाना, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया से व्यक्ति को बचाना, यहाँ तक कि लोग जो मौत के मुंह में पहुँच गए थे उन लोगों हम लोगों ने गिलोय घनवटी से बचाया। तो गिलोय घनवटी, मुक्तावटी और मधुनाशिनी, हार्ट के लिए हृदयामृत, फिर अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग औषधियाँ जो पिछले 20-25 वर्षों में अनुसंधान करके हमने तैयार की और हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जो आयुर्वेद की परंपरा चली आई, उस आयुर्वेद की परंपरा में बीच में कुछ व्यापारी लोग घुस गए थे। मैं किसी को बदनाम करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में काम ऋषि परंपरा का ही व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि योग, आयुर्वेद ये ऋषि परंपरा का कार्य है। योग में जहाँ एक और गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि आदि ऋषियों की परंपरा है और वैदिक काल से योग सदा ऋषि मुनि ही इसको आगे लेकर के आए और विशुद्ध रूप से आज पूरे देश और दुनिया को योग हमारे ऋषियों की विरासत है। ऐसे ही आयुर्वेद महर्षि चरक, श्रुश्रुत, धन्वंतरी और उस परंपरा में श्रद्धेय आचार्य भाषण जी। अभी आयुर्वेद की बात हम करें तो इस समय 60,000 से ज़्यादा जड़ी बूटियों पर वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो रहा है। मैंने पूरी दुनिया में करीब 4 लाख औषधीय पौधे हैं और उन 4 लाख में से 60,000 से ज़्यादा जो है ऐसे पेड़ पौधे जिनकी औषधियों का हम लाभ ले सकते हैं। ऐसे तो कोई भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं जिसका औषधीय गुण ना हो, लेकिन जिनको मैंने मेडिसिन के तौर पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे 60,000 पौधे, उनके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो रहा है। 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट अपने यहाँ काम करते हैं और अब तो एक बहुत बड़ा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसमें करीब 200-250 करोड़ रुपए अपन लोगों ने खर्च किए हैं वो बन करके तैयार हो गया और बहुत जल्दी आदरणीय मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन होने वाला है। माने गैर सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट अपन ने बनाया, जिसमें कि जड़ी बूटियों पर आधारित सारे रिसर्च के काम होंगे। जैसे आजकल एलोपैथी में एनिमल ट्रायल होता है, फिर जो है ह्यूमन ट्रायल होता है, तब औषधियाँ तैयार होती हैं। तो उस प्रक्रिया से ये भी अपने बड़ा काम करने वाले हैं, गाय के ऊपर बड़ा अनुसंधान का काम करने वाले हैं। माने एक तरफ जो है बीमारों को दवाई और एक तरफ बच्चों की वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के द्वारा श्रेष्ठतम पढ़ाई,
पढ़ाई और दवाई, ये दो बड़े काम पतंजलि के द्वारा आगे होने वाले। तो ये सबकी शिक्षा, सबका स्वास्थ्य और एक स्वस्थ और समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली आध्यात्मिक भारत के निर्माण के लिए जो अपना काम चल रहा है उसकी एक ये इकाई है। और इसमें मैं कह रहा था, एक तरफ औषधियों की सेवा, तो यहाँ पर भी जो है पतंजलि मेगा स्टोर में कल्पना ये थी कि इसमें वैद्यों की भी सेवा रहे, तो दो वैद्यों की सेवा पर यहाँ पर की गई है। फिर सारी औषधियों की उपलब्धता हो और सारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनसे लेकर के नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, नेचुरल कॉस्मेटिक, होम केयर, पर्सनल केयर जो भी बोले उनको, तो सारे वो। और फिर एक जो है जो हमारे रोज़मर्रा में साबुन शैम्पू से लेकर के टूथपेस्ट से लेकर के घर में वॉशिंग पाउडर से लेकर के फर्श साफ करने के लिए फ्लोर क्लीनर से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है। तो करीब करीब पतंजलि के डिफरेंट वेरिएंट मिलाने के बाद करीब 500 प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो वो सारे 500 प्रोडक्ट्स की रेंज एक साथ सब लोगों को मिल जाए, माने देखो कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीता है या अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग करता है उसका तो कोई अंत है नहीं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक उत्पाद है वो एक गृहिणी आकर के यहाँ से अपने घर का सारा सामान ले सकती है। माने दांतों में किया जाने वाला मंजन और टूथपेस्ट लेकर के आंखों में वो जो अंजन करती है काजल तक, माने घर की हर चीज वो यहाँ पर पूरी शुद्धता पूरी प्रामाणिकता के साथ। और आजकल लोगों को कंफर्ट, कन्वीनियंस और स्पीड, ये तीन चीज़ें चाहिए कि उनको उनके पास में हो। तो इसलिए अलग अलग जगह पर सेंटर्स खोले जा रहे हैं। अभी इस साल हमारा लक्ष्य है कि 100 से ज़्यादा बड़े ये मेगा स्टोर जिनको बोला जाता है ये खोले जाएं, बाकी छोटे बड़े मिलाकर के करीब 10,000 सेंटर्स हो जाएंगे पतंजलि के। और इस साल के अंत तक लक्ष्य है कि 100% शॉप्स पर जो 25-50 मेन जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स हैं वो हिंदुस्तान की हर दुकान के ऊपर, जिसको FMCG प्रोडक्ट बोलते हैं, वो जहाँ पर मिलते हैं, ऐसे करीब 1 करोड़ इस देश के अंदर दुकानें हैं। और उसमें से 50 लाख जो है बड़ी शॉप्स हैं, बाकी गलियों में छोटी छोटी दुकानें। लेकिन एक आम आदमी टूथपेस्ट तो करता ही है, बालों में साबुन या शैम्पू कुछ ना कुछ लगाता है। गरीब आदमी शैम्पू नहीं लगा सकता, वैसे पतंजलि के शैम्पू इतने सस्ते भी इतने अच्छे हैं, थोड़ा सा भी लगाए तो साबुन जितना ही महंगा पड़ता है उससे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। तो साबुन शैम्पू एक आदमी अपने सिर पर लगाता ही लगाता है, इतना तो हर दुकान पर हो। जो पतंजलि के शैम्पू जो अभी जो है ठीक है, सब वेरियंट नहीं रख सकता, लेकिन ये एलोवेरा का शैम्पू या जो नेचुरल शैम्पू है ऐसे एक दो प्रोडक्ट तो रख सकता है। तो एक दो शैम्पू, सारी रेंज तो देखो तो मेगा स्टोर पर ही मिल पाएगी। एक दो शैम्पू, एक दो साबुन, अब 14 तरह की साबुन है, लेकिन उन 14 तरह की साबुन में से एक दो प्रकार की साबुन तो व्यक्ति रख सकता है। तो एक दो प्रकार के साबुन, एक दो प्रकार के शैम्पू जो है, एक दो प्रकार के टूथपेस्ट, जैसे बच्चों के लिए जूनियर है और आम लोगों के लिए दंतकांति, फिर उसमें दंतकांति एडवांस है, दंतकांति मेडिकेटेड है, ये सारे जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर भी ये सब दंतकांति जो है, अब ये तो सबके लिए है ना। अब लेकिन अब जैसे दंतकांति एडवांस है या जो दंतकांति जूनियर है, अब ये इसके वेरिएंट होंगे। वैसे भी थोड़ा दंतकांति एडवांस थोड़ा महंगा है, तो हर आदमी तो इसको खरीद भी नहीं पाएगा। तो लेकिन दंतकांति और दंतकांति मेडिकेटेड, मैं कह रहा था मिनिमम कितना, मिनिमम एक साबुन, एक शैम्पू, एक दो शैम्पू, एक दो जो है टूथपेस्ट, एक दो साबुन, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। फिर जैसे बालों का तेल है, अब बालों के तेल ऐसे तो जो है आंवला हेयर ऑयल है, फिर ऐसे ही शीतल तेल है, आलमंड ऑयल है, लेकिन अब जैसे केश कांति तेल है, ये हर जगह हम रख सकते हैं। तो ऐसे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग में आने वाली चीज़ें, किसी को भी अपने कपड़े साफ़ करने तो उसके लिए कोई
उसको डिटर्जेंट केक तो चाहिए, डिटर्जेंट केक भी कई तरह के हैं, तो उसमें एक साबुन कपड़े धोने वाला, एक वाशिंग पाउडर, वाशिंग पाउडर में भी प्रीमियम से लेकर के, अब ये तो नया निकाला, अभी पहले ये डब्बे में आया करता था, अभी इसको थोड़ा दूसरी शेप में निकाल दिया है। तो अब जैसे पॉपुलर है ये तो हर जगह हो सकता है, अब चाहे वो रिन है या टाइड है या एक और है इनका व्हील है, सर्फ एक्सेल है, विदेशी कंपनियों के हैं। अब ये जो है आप प्रयोग करते हैं, चाहे वो अब कपड़ा धोने का तो हर एक को ज़रूरत है, अब इसमें ये जो सस्ती वाली साबुन है ये बहुत अच्छी है, ये सब रख सकते हैं, लेकिन जिसमें जो प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें हैं, अब बर्तन साफ करने के लिए आजकल सब जगह विदेशी कंपनी का विम है, यूनिलीवर का विम से 100 गुना अच्छा है डिशवाश निकाला, डिशवाश बार। अब ये चीज़ें तो मैंने इस तरह से करीब करीब मिला करके ऐसे 50 प्रोडक्ट हो जाते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज होते हैं। तो ऐसे अब बाकी तो खाने पीने की इतनी चीज़ें हैं, गांव के लोग तो आटा आदि घर में बना लेते हैं, लेकिन शहर का आदमी तो घर में नहीं बना सकता, उसके घर में तो चक्की नहीं लगी हुई। तो आटा, नमक, दाल, चावल से लेकर के माने रसोई में हल्दी से लेके मसालों से लेकर के, नमक, दाल, चावल से लेकर के हर चीज़ रसोई की, हर चीज़ आपके बाथरूम की, हर चीज़ जो ऊपर से नीचे तक अपने माने कपड़े धोने से लेकर के शरीर को साफ करने से लेकर के दांत साफ करने से लेकर के और आपके बालों से लेकर के, माताएं बहनें काजल बहुत लगाती थी तो विदेशी कंपनियां बहुत महंगी महंगी बेचती थी, अभी तो पतंजलि के काजल का बहुत थोड़े लोगों को पता है। यदि इन चीज़ों का सबका प्रचार हो जाए, दरअसल 125 करोड़ का हिंदुस्तान और सारी चीज़ों का प्रचार करना ये भी बड़ा मुश्किल काम, लेकिन ऐसी जगह पर आकर के बिना प्रचार के भी, अब इसमें एक राउंड जो है हम लगा दें तो पूरा, चलो आप लोग तो यहाँ खड़े हुए हो, एक बार हम दिखा देते हैं लोगों को, एक उत्सुकता रहती है कि पतंजलि मेगा स्टोर आदि क्यों खोले जा रहे हैं, क्योंकि इतने सब प्रोडक्ट एक दुकानदार तो नहीं रख सकता, दुकानदार की कैपेसिटी होती है, उसको बहुत सारे सामान रखने होते हैं, यदि वो पतंजलि का ही सारा सामान रखने लग गया तो फिर बाकी लोगों को भी तो काम करना है हिंदुस्तान में, खाली पतंजलि आवश्यक नहीं है। हमने कहा हाँ, विदेशी कंपनियां देश का धन देश से लूट करके बाहर लेकर के जाती हैं, पतंजलि देश का पैसा देश में रहेगा और 100% चैरिटी में लगेगा, लेकिन सारी दुकानों को पतंजलिमय करने की आवश्यकता नहीं, हाँ वहाँ पर भी करीब 40-50 पतंजलि के प्रोडक्ट हों, छोटी गांव की भी दुकान है तो 20-25 छोटे छोटे भी प्रोडक्ट हों, छोटे पैकिंग भी कर रहे हैं अभी, तो एक बार आपको पूरा ये मेगा स्टोर का दर्शन भी करा देंगे, ऐसे मेगा स्टोर 100 से ज़्यादा, बाकी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों में भी जो नितांत आवश्यक है वो सारे प्रोडक्ट्स मिलते ही है, बस इसमें थोड़ा कंफर्ट, कन्वीनियंस और स्पीड का ध्यान रखा है, तो आप एक बार घुसे ट्राली ली और आपने ज़रूरत का हर सामान आप यहाँ से लेकर के और काउंटर से बाहर निकल सकते हैं, आधा घंटे में आपका काम हो जाता है। तो कंफर्ट माने सुविधा, कन्वीनियंस और स्पीड, इनका ध्यान रख करके और ये सारे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि और कितनी चीज़ों का विज्ञापन किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 चीज़ों का विज्ञापन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो विज्ञापन में खर्चा भी बहुत आता है, तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको यहाँ पता लग जाता है। बाकी हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, विदेशी कंपनियों के पास तो सब भाड़े के लोग होते हैं, यहाँ पतंजलि के पास में विश्वास रखने वाले जहाँ करोड़ों लोग हैं, वहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले भी हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा इस देश में बड़ा परिवर्तन आएगा। राजनीतिक आज़ादी के बाद ये आर्थिक आज़ादी, आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वराज का एक काम है और इससे जहाँ एक और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर, करोड़ों लोगों को परोक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा, वहीं देश में सेवा के भी इतने बड़े बड़े काम होंगे जिनको आप अनुभव करके ही, जिनके बारे में सोच के ही आपको बहुत गर्व अनुभव होता है, जब वास्तविक रूप से धरातल पर ये बड़े बड़े कार्य और बड़े रूप में सामने आएंगे तो इस देश की दशा और दिशा सब कुछ भी बदलेगी और हम अपने आंखों के सामने एक बहुत सुंदर भारत देख पाएंगे। तो आज आप सब आए तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है और ये खाली
एक गुड़गावा के ये मेगा स्टोर का ही प्रश्न नहीं है, ऐसे पूरे देश भर में ये पतंजलि मेगा स्टोर ये सबसे एक तरह से मेगा नाम से ही पता लग रहा है, ये तो एक मेगा स्टोर हो गया। फिर पतंजलि चिकित्सालय स्टोर, वहाँ पर भी सारी चीज़ें होती है लेकिन वहाँ कहीं जगह थोड़ी कम होती है कहीं ज़्यादा, तो उसको ध्यान में रख करके इतना बड़ा स्पेस सब जगह नहीं मिल पाता है। फिर आरोग्य केंद्र जहाँ पर मुख्य औषधियाँ और पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में जो है कुछ बड़े शहरों में पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी कुछ लोगों ने शुरू किए हैं, और ओपन मार्केट की दुकानों पर मैंने कहा रोजमर्रा की करीब 40-50 जो बेसिक चीज़ें हैं वो मिल जाएँ, उसके लिए एक बहुत बड़ा सघन अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। और इसीलिए हमने कहा था कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में पतंजलि देश का सबसे बड़ा ब्रांड होगा, और पतंजलि को ये सबसे बड़ा ब्रांड आप देश के करोड़ों लोगों ने बनाया है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जो है क्योंकि यह एक बहुत ही शीघ्रता में कार्यक्रम रखा, उसके बाद भी आप जो इतने प्रेम से यहाँ पर आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पतंजलि मेगा स्टोर क्या है इसका आपको थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स का इस तरह से डिस्प्ले होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो है ये कपड़े धोने वाले जितने भी डिटर्जेंट केक हैं, डिशवाश है, उनका यहाँ पर डिस्प्ले है, फिर हैंड वाश हैं, फिर यहाँ पर ये जो है रिफिल करने वाला हैंड वाश का हुआ है। अभी पतंजलि के 2 नए साबुन आए हैं सौंदर्य, माने जो प्रीमियम ब्रांड है उसमें एक क्रीम सोप है, दूसरा ये सैंडल सोप है। तो ऐसे ये प्रीमियम सोप से लेकर के जो आप रोज़मर्रा की लाइफ में एलोवेरा और जो है हल्दी चंदन, ये अलग अलग प्रकार के रोज, ये सब अलग अलग प्रकार से एक डिस्प्ले कर दिया गया है कि आपको सारी चीज़ें आंखों के सामने दिखे। आंवला एलोवेरा जूस आदि तो आप लोग पीते हैं, नूडल्स हैं, आटा है, और जो अपने रोज़ घर में प्रयोग होने वाली वाशिंग पाउडर से लेकर के और शैम्पू से लेकर के टूथपेस्ट से लेकर के सब प्रकार के, सरसों का तेल है ये, फिर अलग अलग ये दूसरी तरह के साबुन हैं, माने एक तो वो साबुन है जो जनरल साबुन है, ये प्रीमियम साबुन है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, चाहे इसमें मुल्तानी मिट्टी है, चाहे मोगरा है, चाहे मिंट है, अलग अलग प्रकार के बॉडी लोशंस हैं। तो ये सारे प्रकार के शरबत हैं, अलग अलग प्रकार के हनी है, और जो है अगरबत्तियाँ हैं, नमक है, आटा, नमक, दाल, चावल, पूरे घर के हर चीज़, और ये वॉशिंग पाउडर में के साथ साथ ये जो है एक तरह से ये लिक्विड डिटर्जेंट वो है, फेस वॉश हैं, सारे फेस वॉश एक लाइन में आप लगे हुए देख रहे हैं, इसी में ये एलोवेरा जेल है, अलग अलग प्रकार की कंडीशनर्स हैं, और इसी के साथ साथ में ये खाने पीने की सारी चीज़ें इधर रखी है। इसमें पापड़ हैं, मूसली है, ओट्स हैं, कॉर्नफ्लैक्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उधर दूसरी चीज़ें और भी मिलेंगी, आंवला कैंडी है, आंवला चटपटा है, और जो है गेहूँ का दलिया है। तो ये ट्रॉली के अंदर एक आदमी लेकर के, और जो भी उसको ज़रूरत है वो हर अपनी ज़रूरत की चीज़, ये अलग अलग जैसे नींबू का अचार है, ये अलग अलग प्रकार के, ये तो डायमंड है, डायमंड से लेकर के सिल्वर से लेकर के गोल्ड, 3 तरह के चावल है, फिर ये अलग अलग प्रकार की हींग से लेकर के सारे मसाले हैं, कैचअप है, ये मिल्क पाउडर अभी नया लॉन्च किया है क्योंकि दूध में बहुत मिलावट होती है, ये 200 ग्राम का एक मिल्क पाउडर का एक लिया एक पाउच, और इसमें 1.5 किलो दूध तैयार हो जाता है। अब ये तो 3 किलो माने 500 ग्राम है, पूरे परिवार का इसमें दूध तैयार हो जाता है, और ये होल मिल्क पाउडर है, माने इस दूध का, इस दूध के पाउडर से आप दूध बना लेंगे, उसी से आप दही जमा लीजिए, उसी में मक्खन भी निकल आएगा, मलाई भी निकल आएगी, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई सारी इसी एक दूध पाउडर से उपलब्ध हो जाती है। आप दूध ऐसे बाजार से खरीद के लाते हो, फ्रिज से बाहर रख दिया तो ख़राब हो जाता है, तो ये दूध पाउडर भी बहुत ही उपयोगी है। ऐसे मैंने आपको थोड़ा सा परिचय कराया कि जितने भी मसाले हैं, बेसन है, सारे स्पाइसेस हैं, तो इस तरह से ये कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने थोड़ा सा आपको संकेत किया। मैं कह रहा था घर की ज़रूरत की हर चीज़, जैसे जूसेज हैं, जूसेज में बड़े जूसेज तो हैं, छोटे जूसेज के भी पाउचेज हैं यहाँ पर,
ये फ्लोर क्लीनर है और ये चोको फ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स भी आपको दूसरी जगह मिलेगा। ये बिस्किट है जो है, क्योंकि आज इसका पहला ही दिन है। ये पावर वीटा है, च्यवनप्राश और अमृत रस है। च्यवनप्राश जिनको सर्दी जुकाम कफ एलर्जी इम्यून सिस्टम वीक है वो तो हर ऋतु में खा सकते हैं। ये अमृत रसायन सर्दियों के अंदर जैसे च्यवनप्राश खाया जाता है, ऐसे गर्मियों का च्यवनप्राश है, मैंने ठंडक भी देगा और इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाएगा। बादाम पाक, हर चीज़ मैंने सोन पापड़ी से लेकर के अलग अलग प्रकार के बिस्किट्स के लिए से लेकर के और ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो है वो सारे के सारे म्यूसली से लेकर के चोको फ्लेक्स से लेकर के पाचक हैं पेट के डाइजेशन आदि के लिए। और ये औषधियाँ और सारे स्वरस जैसे जामुन का है और गिलोय का है और ये अलग अलग अश्वशिला कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल, अर्जुन आंवला रस, मुसली पाक, तो सारी तरह की ये सारी औषधियाँ यहाँ पर, ये सारी औषधियाँ हैं इनका है। फिर ये सारे अलग अलग प्रकार के शेविंग क्रीम्स हैं, अभी नई ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए अभी, ये प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ये एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है, उस तरह से ये नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स अभी प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं। और इसी तरह से ये सारी औषधियाँ हैं, ये एप्पल के जूस से लेकर के सारे मिक्स फ्रूट जूस, अलग अलग प्रकार के जूसेज हैं, दालें हैं, छोटे बड़े पैक हैं। इसका 1 लीटर का भी है और ये 5 रुपए का भी जूस का जो है पैकिंग है, जिसमें लीची आंवला आदि से लेकर के, और जो है ये एक एनर्जी बार भी ये बहुत अच्छा निकाला है, जो बच्चों को चॉकलेट की आदत पड़ जाती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए। और फिर ये सारा का सारा औषधियों का है, तो ये सारी औषधियाँ माने दिव्य फार्मेसी की सारी औषधियाँ ये दोनों तरफ के रैक्स में, और फिर ये गुलाब जल से लेकर के, और यहाँ ये सारी औषधियाँ हैं जो अलग अलग रोगों के हिसाब से दी जाती हैं, तो उस तरह से औषधियों की सारी व्यवस्था है, फिर वैद्य की सारी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पतंजलि गाय का घी, सरसों का तेल, खाने पीने की सारी चीज़ें तो हैं, औषधियों से लेकर के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। और ट्रॉली में सारे प्रोडक्ट लेकर के एक जगह से बिलिंग की व्यवस्था हो जाती है। तो अब हमारे हिंदुस्तान में मॉडर्न ट्रेंड में तो ये चल रहा है, जो पुरानी हमारी पारंपरिक दुकानें हैं उस तरह की यहाँ ये व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो पाती है। तो इसमें एक ट्रॉली में सारा सामान लेकर के और यहाँ सेंट्रलाइज कर दिया है बिलिंग का सिस्टम, पूरे में CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं, जिससे कि जो है कोई अराजक तत्व जो है किसी तरह से कोई चोरी आदि ना कर सके। तो ये एक बढ़िया व्यवस्था की गई है और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह से ज़्यादा पतंजलि मेगा स्टोर्स के माध्यम से लोगों को इस स्वदेशी की सेवाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच में हम ले जा सकें, और इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की जो बहुत बड़ी सेवा पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रही है, उसका ये एक स्वरूप है पतंजलि मेगा स्टोर। पतंजलि मेगा स्टोर में हमने कहा सारे प्रोडक्ट्स भी हैं और वैद्यों की भी, हमारे पूरे देश भर में लगभग 1000 वैद्य सेवा देते हैं, तो यहाँ पर भी वैद्यों के लिए 2 केबल्स की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर रोगियों को उनके उपचार की जो है सारी व्यवस्था की गई है, जिससे कि अपने रोगों के बारे में उनको एक पूरा परामर्श मिल सके और वो अपने जो क्रॉनिक बीमारियाँ उनसे मुक्ति पाए।